ब्लैंक पेजेस ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपने किसी को फाइल भेजनी है, आपने कहा अरे 10 पेजेस की फाइल मैं बना रहा हूँ, मैं आपको पेज ऐड करके दे देता हूँ, आप सिर्फ उसमें डेटा डाल दें। अव्वल तो ऐसा होता है कि जैसे ही पेज आपका ख़त्म होता है दूसरा पेज शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आप किसी को फाइल वैसे ही भेज रहे हैं, आप उसमें नंबर आपने डाल दिए पेजेस के, 10 पेजेस आपने बना लिए ब्लैंक पेजेस, और आप फाइल आपने उसको भेज दिया, आप उसको जो है उस तरीके से बनाकर भेज दें। टेबल, टेबल क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ रोज, कलेक्शन ऑफ रोज क्या होती हैं? जो हॉरिजॉन्टल चलती है वो रो कहलाती है, और जो वर्टिकल खाने बने होते हैं वो आपके कॉलम्स कहलाते हैं। कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल। क्या कहलाता है? टेबल कहलाता है। और एक रो और एक कॉलम को मिलाकर जो एक खाना बनता है उसे, और एक कॉलम को मिला के जो एक खाना बनता है वो सेल कहलाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के टेबल्स के व्यूज़ हैं जिसको हम ऐड कर सकते हैं। देखें, सॉरी पिक्चर का आ गया, टेबल भी हम इससे ऐड करेंगे, और यहाँ पे ये एक इंसर्ट टेबल का फंक्शन है, फिर इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि टेबल को किन किन तरीक़ों से हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर फंक्शन लेट्स यू ऐड पिक्चर्स टू योर डॉक्यूमेंट। बाहर से कोई पिक्चर लाकर अगर आपने अपने पेज में रखनी है तो उसके लिए हम पिक्चर का फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है शेप्स। दी शेप फंक्शन अलाउ यू टू ऐड डिफरेंट शेप्स टू योर डॉक्यूमेंट्स। अशकाल का एक फंक्शन है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स होती हैं, उनको हम जो है वो अपने पेज में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये एक शेप है, ये क्या है? ये एक शेप है, एरो की शेप है, ये एक, ये सारी जितनी भी बनाई हुई हैं, या ये एक राउंडेड रेक्टेंगल की शेप है, ये क्या है? इस तरह की डिफरेंट शेप्स जो है हमारे पास इस शेप में मौजूद होती हैं। हम उस ऑटो शेप्स, आज से पहले जो ऑफिसेज गुजरे थे उनमें इसको ऑटो शेप्स का नाम दिया जाता था कि ये ऑटोमेटिकली बनी हुई हैं और सिर्फ इसको ड्रा करना होता है, ठीक है। अभी सिर्फ शेप्स ही इसको कहते हैं। विद दिस फंक्शन यू कैन ऐड टेबल्स इन डिफरेंट वेज। ये जो फंक्शन आपको दिखा रहा है, एक तो फंक्शन ये है कि यहाँ से आपने रोज़ और कॉलम सेलेक्ट किए, वही टेबल आपके पेज में इंसर्ट हो गया। अदरवाइज आप इंसर्ट टेबल के थ्रू रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद बताकर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या ड्रॉ टेबल के ज़रिए अपनी मर्ज़ी के अपनी साइज़ का कॉलम और रो बनाकर आप टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, या एक्सेल की स्प्रेड शीट की मदद से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या क्विक टेबल की मदद से आप जो है वो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं।